हाँ फिल्टर वाले पंप है वो 3 फेज होंगे। अभी आप देखें जाएंगे ना किधर लगे हुए हमारे यूनिवर्सिटी में, तो आप वाटर फिल्ट्रेशन वाटर पंप जो है हमारे टैंकी इधर आप देखें ना, इधर वो नहर है, तो जब बाहर जाते हैं गेट से बाहर, गेट किधर है, गेट इधर है ना, गेट किधर है, इधर गेट की तरफ जाए तो राइट साइड में आपको कोई एक बड़ी सी टैंकी नजर आती है, वहाँ पंप लगा हुआ है 3 फेज होगा डेफिनेटली मोटर जो पंप है। इसी तरह इधर किधर है, इधर वो जो आपका ग्राउंड स्टेशन है, ग्राउंड जो ग्राउंड है आपका प्लेयर प्लेइंग ग्राउंड जो है क्रिकेट जो है उधर भी आपकी जो है वो मोटर्स लगी हुई है, ठीक है, वो 3 फेज है जो बड़ा ज्यादा लोड है। तो 3 फेज अगर 10 किलोवाट है फॉर एग्जाम्पल 440 वोल्ट है लाइन वोल्टेज को देखते हैं, इन 2 फेज के दरमियान वाली वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं, तो एक फेज वोल्टेज होती है और एक लाइन वोल्टेज होती है, तो इसमें भी डिफरेंस है। स्टार डेल्टा अगर करेक्शन हो, स्टार डेल्टा अभी आपने नहीं पढ़ा तो इसको नहीं जाएंगे, तो स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज जो है वो अंडर रूट 3 V फेज होती है, फेज वोल्टेज अंडर रूट 3 टाइम्स लाइन वोल्टेज होती है, और जो डेल्टा करेक्शन होते हैं डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होती है, करंट इनके ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा इसी तरह अगर देखें इसमें अंडर रूट 3 V लाइन वोल्टेज फिर करंट और पावर फैक्टर और एफिशिएंसी, इससे आपका करंट आ गया फॉर एग्जाम्पल 20.5 हो गया। अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप मैंने आपको बताया था 3 फेज में क्या लेंगे 5% वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 20.5 का 5% है तो ये 1.025 आता है, इसको 1.0 को इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 21.52। अब 21.52 के अगेंस्ट आप देखेंगे 21.52 के अगेंस्ट जो भी केबल आ रही है 2.5 mm की केबल यूज होनी है कौन सी है, तो वो आप उसको केबल को देख सकते हैं और वो केबल का जो है साइज, तो अम्पेयर्स में भी मैंने बता दिया, या वाटेज में अगर कैलकुलेट करते हैं तो वाटेज से भी टेबल मिल जाता है कि वाटेज आपने कैलकुलेट की तो उसके अगेंस्ट आप बेस करंट निकाल सकते हैं। तो आपको समझ आ गई कि आपने जो आपका खंबे से पोल से इलेक्ट्रिक पोल से जो एनर्जी मीटर तक केबल आती है वो पूरे घर का लोड होता है, तो इसका मतलब आप पूरे घर का लोड कैलकुलेट कर लें वाटेज में कर लें या अम्पेयर्स में कर लें, दोनों टेबल मिल जाते हैं, अम्पेयर्स निकाल के उसका रेलिवेंट एमएम स्केल का केबल साइज कर लें, तो वो केबल जो वहाँ से इलेक्ट्रिक मीटर इलेक्ट्रिक पोल से एनर्जी मीटर तक आएगी उस केबल का साइज डिफरेंट होगा। अच्छा उसके बाद फिर आप देखें उस एनर्जी मीटर से लेके जो हमारा मेन बोर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहते हैं डीबी, हाँ सर्किट बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और क्या नाम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी कह लेते हैं और मेन बोर्ड कह लें मेन हाँ मेन पैनल कह लें या इस तरह, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है मेन जो एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक वो भी केबल वही साइज होगा उसका भी, चूंकि उसमें भी सारा लोड आपका कैलकुलेट हो रहा है आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा नेक्स्ट, उस जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उससे आपके स्विच बोर्ड होंगे, स्विच बोर्ड वो स्विच बोर्ड उससे हो सकता है उसके बाद आपके स्विच बोर्ड हर रूम में जा रहे हैं, तो हर रूम में अगर वहाँ से जा रहे हैं या उस तरह हो सकता है अगर आपकी 2 मंजिला है 3 मंजिला है तो वो जो मेन बोर्ड है उस मेन बोर्ड से फिर एक मेन स्विच बोर्ड होगा जो कि 1 मंजिल पर जा रहा है, उसी से दूसरा स्विच बोर्ड एक ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वो जो मेन स्विच बोर्ड होगा उसकी केबल का साइज फिर उस जो फ्लोर है आपका फर्स्ट फ्लोर है सेकंड थर्ड उसका पूरा लोड कैलकुलेट करके आप उस केबल का साइज अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया सेक्शन का कितने एमएम की लगेगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आपने जो स्विच बोर्ड कमरे में चला गया है जिस तरह इस वक्त हमारी इस लैब के अंदर जो स्विच बोर्ड है वो ये है, ठीक है, ये स्विच बोर्ड है और ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है हमारा, तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से भी हम देखेंगे कि ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन एक ये बोर्ड है एक ये इधर भी आ रहे हैं इधर पीछे भी कितने बोर्ड लगाए हैं वो भी डिपेंड करता है, ये इधर लगाया है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाए तो वो उस साइज डिफरेंट हो गया। स्विच बोर्ड तक हम देखेंगे स्विच बोर्ड के आगे हो सकता है इस स्विच बोर्ड पे यही लोड लगे हैं हम चेक कर लेंगे ऑन करके उस पर कौन लगे वो हम उसमें देख लेंगे फिर स्विच बोर्ड के आगे कितना लोड है, उस स्विच बोर्ड से जो पीछे केबल मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड पे आएगी वो उसके आगे जो लोड है उसकी बेस पे आएगी उसका साइज लगे। अच्छा इसी तरह फिर स्विच बोर्ड के आगे भी मल्टी स्विच बोर्ड हो सकते हैं साथ में, जिस तरह ये भी है स्विच बोर्ड अब उससे आ रहे हैं वैसे ना जो आपकी जो होते हैं जो पावर सर्किट होता है उसको हम स्विच बोर्ड में से अलग ही मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डायरेक्ट ही आते हैं पावर सर्किट होते हैं ऐसे ही ना स्विच बोर्ड में नहीं लाते, स्विच बोर्ड में सिर्फ पंखे लाइटें और इस तरह की चीज़ें आती हैं और वो डायरेक्ट ही हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डायरेक्ट लाते हैं ये पावर सर्किट, ठीक है। अगर डायरेक्ट आ रही है तो इसमें लोड कौन सा लगाना है वो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया एसी के लिए और ये इस तरह जो केबल्स का साइज बता दिए तो वैसे वो आप देख लें नॉर्मली हम इस्त्री इस जगह पे हम इस्त्री लगाते हैं फ्रिज और इस तरह की चीज़ें उस बेस पे हम उसको मोटर लगाते हैं ये तो उस बेस पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस पॉइंट से जो पीछे तक जो केबल है उसका साइज क्या होगा ये डिपेंड तो इस तरीके से आप जो है वो डिफेंड तो केबल को आपने क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ ना करें शुरू में तो अच्छा है क्योंकि क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की लगा लेंगे तो क्या होगा सेफ्टी के वाले से भी ठीक है
और एक ही दफ़ा आपको उसकी, तो इस पे आप कम्प्रोमाइज़ कर लें, कोई दो नंबर लगा लें, लॉसेज भी ज़्यादा होंगे, लॉसेज वोल्टेज ड्रॉप लॉसेज ज़्यादा होंगे, लॉसेज ज़्यादा होंगे हीटअप होगी, उससे स्पार्क भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, या फिर यह है कि उससे वोल्टेज ड्रॉप और ये जो लॉसेज की वजह से आपका बिजली का बिल भी उसमें फर्क पड़ेगा, उसकी लाइफ भी कम होगी, लाइफ भी उसकी डेफिनेटली वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी। तो अच्छा, इस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ब्रेकर्स होते हैं, ब्रेकर का टॉपिक हमारा अगला है, तो उसमें मैं नहीं गया, सिर्फ केबल सी आ तक रहे हैं कि ब्रेकर तक केबल कौन सी है, केबल के साइजिंग की आपको थोड़ी सी ओवरव्यू बता दी है, इससे अलावा मजीद भी आप सीखें, यूट्यूब बड़ी बड़ी है, गूगल बड़ा बड़ा है, ठीक है, तो आप बाकी चीज़ें वहाँ से भी सीखें, कुछ ओवरव्यू पहले आपको दे दी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इस वीडियो को पॉज करें, ठीक है, करें तो आप इसमें वन ईयर कैलिपर है, ठीक है, इसमें हमने इसके एनएम साइज निकालना है, कैसे निकालेंगे, वन ईयर कैलिपर को यूज़ करने का तरीका, इसके जो पार्ट्स हैं, इसको पार्ट्स मैंने वहाँ शेयर कर दिए हैं, इसको मैं दोबारा भी ना नेक्स्ट टाइम आपको इसकी डिटेल पार्ट्स के साथ वन ईयर कैलिपर की लेदर से बनाएंगे, फिलहाल जस्ट साइज मेजर करने का मैं तरीका थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक। इसमें आप देखें तो इसके अंदर आपने इसको, ये इसका रैचेट है, इसको रैचेट कहते हैं जिसे मूव करते हैं, ये थिम्बल है इसका, थिम्बल है, थिम्बल से पकड़ के आपने नहीं करना, इससे जीरो एरर आ जाता है, रैचेट से आपने करना है, जैसे ही रैचेट इस तरह आपका आवाज़ देना शुरू कर दें, इसका मतलब हो गया बस बंद, उसके बाद लॉक कर दें, जो रीडिंग ली है लॉक कर दें ताकि ये मूव ना हो, ये कर सकते हैं, ये इसका फ्रेम है, और उसके अंदर ये आपका जो है वो मूविंग पार्ट है, मूविंग स्केल है, और ये नीचे जो है मेन स्केल है, और इसकी लाइन जो है डॉटम लाइन या मेन लाइन कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक कंडक्टर डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेयर कंडक्टर डाल के इसमें आपको इसको चलाते हैं, जब हम चलाएंगे इसको, सबसे पहले इसका जीरो एरर भी देखते हैं, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको फिर डिटेल वीडियो इस पर बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको दोबारा इस पर बताऊँगा कि जीरो एरर कैसे, फिलहाल हमने रीडिंग लेनी है, पहले कंफर्म कर लेना कि जीरो इसका जो सर्कुलर स्केल का जीरो है और मेन लाइन का जीरो क्रॉस कर रहा है। अब आप देखें तो इसमें रीडिंग लेने का तरीका ये कि मेन स्केल पे आपको ऊपर भी एक एक पॉइंट नज़र आ रहा है, वो 0.1 mm का, 0.1, 1, 2, 3, 4 इस तरह 4 इस तरह mm है, 1 mm। नीचे वाला जो है ना, नीचे जो आपको इस डॉटम लाइन बेस लाइन के नीचे जो डॉट नज़र आएंगे वो 0.5 का है, यानी आधा है, ठीक है, ऊपर वाला पूरा है 1 और नीचे वाला 0.5 है। आप ऊपर वाला देखें, जीरो से आगे देखें तो आपको कितनी लाइन नज़र आ रही है, कोई भी लाइन नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ऊपर तो कोई लाइन नहीं हुई। इसमें नीचे देखें तो नीचे एक लाइन नज़र आ रही है, नीचे एक का मतलब है कि ये 0.5 mm, तो 0.5 mm इस वक्त हमारे पास क्या हुआ, 0.5 mm जो है हमारा एक आया, 0.5 mm ये इसकी मेन स्केल की रीडिंग होगी। अब हमें देखना है कि जो इसका सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है, ठीक है। अब हम आप देखें तो ये बनती है 25 और 25 के बाद आगे 26 है, 25 और 26 के दरमियान 25 ही है तकरीबन, 25 है, ठीक है। तो 25 जो 25 सर्कुलर स्केल पर रीडिंग है, ये जीरो वाली जो मेन स्केल उसके साथ परफॉर्मेंस है, तो 25 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके वन जो इसका लीस्ट काउंट है 0.01, तो कितना आएगा 0.01, कितना आ गया 0.25 आ गया, कितना आ गया 0.25, इन दोनों को ऐड करके जब ऐड करेंगे तो ये बचेगा 0.75 mm, तो 0.75 mm की ये केबल है, इसका एक स्ट्रैंड 0.75 mm, ठीक हो गया ये। अच्छा, अब इसका mm स्क्वायर निकाला, ये mm केबल है, इसका नॉर्मली सिर्फ डाया लेते हैं, तो ये डाया ही दिए हमने सारे, डाया की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर mm में लिया हुआ है, ये mm में है, जिस तरह mm है ये स्क्वायर mm है, अगर इसका स्क्वायर mm निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, एरिया यही होता है ना, तो आप पाई आर, आर इसका क्या आएगा डाया बटा दो, डाया का हाफ कर देंगे, इसका हाफ करें करें जरा कितना 7.75 डिवाइड बाय 2, उस जो आंसर है उसको दोबारा पूरे का मल्टीप्लाई 3.14 स्केयर ले लीजिए 0.44 mm square, ठीक है। तो mm square में केबल का साइज आ गया 0.44 mm square, ठीक है, mm square, जिस तरह इधर आपको नजर आ रही थी केबल, इस तरह ये 1 mm square की केबल है, इस तरह वो 0.44 की आई है, ठीक है। इस तरह mm square में अगर आप देखेंगे तो ये 0.4 mm square है, अगर ये केबल मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो इससे थोड़े ऊपर वाली 0.6 mm square की ले लें, तो mm square में भी और mm में सिर्फ डाया है इसका, और mm square में इसका पूरा एरिया आएगा, तो दोनों निकालने का तरीका आपको बता दिया इससे। अब इसमें मैंने सिर्फ एक स्ट्रैंड लिया है, ये गलत किया है, स्टैंड एक स्टैंड नहीं, आपने तीनों स्टैंड लेने हैं बारी बारी, लेकिन उसका एवरेज ले लें ताकि गलती के चांसेस आपके क्या हो जाए,
खत्म हो जाएगा। अब मैं वर्नियर स्केल लेता हूँ, हमारे पास वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल के अंदर हमने क्या करना है, तो वर्नियर स्केल में हम ये करेंगे कि वर्नियर स्केल का कोई तरीका है इसके अंदर देखें, तो बाकी चीज़ें मैं इन डिटेल्स वर्नियर की और उसकी वीडियो नेक्स्ट टाइम हम वो लेक्चर भी करेंगे लहदा से इनका लहदा, इसमें डिटेल पार्ट्स भी बताऊँगा मैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें यहाँ इसके अंदर एक मूविंग स्केल है और एक जो है वो फिक्स स्केल है, या इसको मेन स्केल कहेंगे। तो ये एक मेन स्केल की रीडिंग है और एक मूविंग स्केल की है, ठीक है। इसमें भी जीरो एरर आपने देख रहा है, अभी इसमें जीरो एरर नहीं आ रहा। जीरो का मतलब इसका जीरो मूविंग का और मेन स्केल का जीरो आपस में सेम है, तो ठीक है। अगर जीरो नीचे वाले का इधर है तो फिर आपने उसको इधर है तो इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव एरर है। इधर है अगर पॉजिटिव है तो पहली कुछ रीडिंग दे रहा है तो माइनस करनी पड़ेगी, पॉजिटिव एरर है तो माइनस होगा आखिर, ठीक है। तो रीडिंग वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम जब इसकी सिक्योरिटी। इसमें ऊपर भी डेप्थ निकाल सकते हैं, ऊपर कोई वैल्यू निकालनी, नीचे से भी निकाल सकते हैं, और कोई डेप्थ लेनी है किसी की चीज़ की तो वो भी हम ले। अब हम देखते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिया इसको, ये देखिए इसको डाल दिए इधर इसके अंदर, इसके बाद ऊपर इधर से टाइट भी कर सकते हैं इसको, इसको टाइट कर दें यहाँ से तो फिक्स हो जाएगा, यहाँ मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये लिया, लेने के बाद देखा कि तो आप ऊपर मेन स्केल जो है उसमें देखें अगर, तो मेन स्केल पे आपकी रीडिंग जो है, मेन स्केल में जीरो से पहले वो कोई नहीं रीडिंग आ रही, जीरो के बाद यानी जीरो से ये जो मूविंग स्केल का जीरो है इससे पहले पहले आपने देखना मेन स्केल के कितने पॉइंट हैं, वो कोई भी नहीं है। जीरो के बाद अगला वन, वन से पहले पहले ये जीरो इसका, इसका मतलब एमएम में कोई नहीं है रीडिंग इसकी। अच्छा, इसमें देखें अगर हम इसका जो मूविंग स्केल है इसका कौन सा पॉइंट कंसाइड कर रहा है मेन स्केल की रीडिंग के साथ, अगर हम देखें तो इसमें ये सेवन और एट, जो एट है ना, एट इसका जो पॉइंट है एट मूविंग स्केल का, ये मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रहा है। तो हम रीडिंग देखते हैं इसकी कितनी बनती है, एट की रीडिंग इसके साथ बनती है जनाब, एट की बनती है ऊपर देखें टू और थ्री है, टू और 2.5, 2.5 थ्री हो गया, थ्री के बाद आप देखें तो 3.2 बनता है मेन स्केल पे रीडिंग इसकी। 3.2 को मल्टीप्लाई करें जरा इसके 0.5 से मल्टीप्लाई करें, कितना है, कितना है, इसको 0.05 से मल्टीप्लाई किया, 3.2 को 0.05, हाँ 0.05 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3.2, हाँ हाँ 3.2 से करें, कितना आता है आंसर, 0.16। और उसके बाद हमने इसको ये रीडिंग ये आनी चाहिए पूरी, ये जितनी ये आई है इतनी हमने लानी है इससे, हाँ तो ये, और अगली रीडिंग कैसे आई इसमें 0.16 है, और इसके अंदर चले इसको मैं अभी इसको दोबारा डिटेल से करेंगे, इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोमीटर सिक्योरिटी गेज से निकाली वही रीडिंग वर्नियर कैलिपर से आनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम इसको पॉज करते हैं और वहाँ चलते हैं और ये बोर्ड देखते हैं। तो पहले देखें इस वक्त ये क्लोज है, क्लोज है तो आप इसके अंदर रखेंगे तो आगे जाएंगे नहीं, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लें, ठीक, ओपन हो गया, ओपन करने के बाद इसको अंदर रखें, ओके ये अंदर रखा, ठीक है। इसमें नीचे टीथ बने हुए हैं जो जितने मोटी केबल है उसके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लें, आखिरी वाले में डाल देते हैं क्योंकि मोटी है ये, तो हमने स्ट्रिप करी, पकड़े इसको इधर, ये भाई इसको पकड़ लेते हैं इधर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखे नहीं हुआ, ये देखे ऐसे है। अब थोड़ा सा दोबारा करें, थोड़ी ये किया तो ये, अब ये प्रेस कर रहा है इसको, इसको प्रेस करेगा दोबारा, ये कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका है इसका, तो ये आसानी है, बाद में नेक्स्ट टाइम आप खुद भी कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये देखें आपको केबल नज़र आ रही है, वही जो हमने केबल्स वहाँ पड़ी हैं इसी तरह की, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स की हैं, थोड़ा बड़ी हैं, पावर केबल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज़ होती हैं। तो ये देखें सबसे पहले आपकी केबल है, क्या लिखा हुआ है, 1 mm की केबल है, सिंगल कोर है। ये अगली आपने बतानी है ये कितनी है, 1.5 mm स्क्वायर की है, और कौन सी केबल है, सिंगल है, कॉपर कंडक्टर है, PVC इंसुलेशन है, इंसुलेशन भी बता दी, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर ये देखें वहाँ नज़र नहीं आ रहा था, ये सॉलिड नज़र आ रहा है ना, एक ही कंडक्टर है, स्ट्रैंड नहीं है इसमें, इसको सॉलिड कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये देखें आप, ये भी सॉलिड कंडक्टर है और सॉलिड कंडक्टर में 3.29 की है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे जाए ये क्या है, 1.5 mm और सिंगल कोर है, सिंगल कोर है, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल 7 स्ट्रैंड है जी, 7 SPD। अच्छा, SPD वो मैंने, अच्छा उसके बाद ये क्या है, 2.5 mm की है। अच्छा, ये क्या है, 2.5 mm की है, ये कितने की है,
729 है, 729 है, ये क्या है 1.4 mm की है, और ये क्या है 736 की है हमारी, और इसी तरह ये कौन सी है 6 mm की सिंगल कोर है, ये 744 है, उधर नहीं थी ये केबल्स, इसका 752 है, 752 के बाद अगली कौन सी है 16 mm की है, और ये ग्रीन वाली, और ये क्या है 10 mm की है, ये RG7 डिश केबल भी है, ये डिश केबल डिश में यूज होती है, डिश पड़ी होती है टीवी के, 1.5 mm 4 कोर है, ठीक है, फ्लेक्सिबल केबल है ये टेलीफोन की केबल है, 10 पेयर है इसके अंदर, इसका ये क्या है 2.5 mm स्क्वायर फ्लेक्सिबल है, शील्डेड है, अच्छा उसके बाद ये क्या है फ्लेक्सिबल शील्डेड, अच्छा ये कॉपर की है 2.6 mm, ये 10 mm की है, और एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है इसके अंदर, अच्छा ये 4 कोर है और कॉपर की है, पीवीसी इंसुलेशन, आगे ये कॉपर का मतलब कॉपर और पीवीसी वाला, इसके ऊपर जो इंसुलेशन है पीवीसी की है, अच्छा आगे 50 mm की है, बेयर बेयर कॉपर है, ये देखें इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है, 70 mm है बेयर कॉपर, अच्छा ये 240 mm पीवीसी, ये 630 mm, ये देखिए इतनी बड़ी है, ठीक है, कॉपर की है, अच्छा आगे ये 25 mm, ये कंडक्टर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो कंडक्टर यूज़ होते हैं ना फीडर्स के, उनके नाम है आठ है कंडक्टर ये, और ये रह गया XLPE क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन इसकी इंसुलेशन है, और एल्यूमिनियम का कंडक्टर है इसके अंदर 25 mm की है, ये 35 mm स्क्वायर है, और ये कितनी एक सिंगल कोर है ये, ठीक है, अच्छा ये एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, ये 95 mm, ये 120 mm स्क्वायर की है, अच्छा ये 16 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर है, अच्छा ये आठ कंडक्टर है, ये रैबिट है, ACR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ये जो अंदर बीच में है ना ये स्टील का है, ऊपर वाले एल्यूमिनियम का, और जो बीच वाला जो है वो स्टील का है, अच्छा इसके बाद रैबिट कंडक्टर है, ये वेस्ट है, ये डॉग है, ये उधर भी थे स्प्रे रेल, ये सारे उधर थे, ये क्या है कॉपर पीवीसी, अच्छा ये 50 mm है, ये 50 mm स्क्वायर 3 कोर है ये, ठीक है, ये देखे ना इसके अंदर राउंड, इसके अंदर आपने देखा है ये वो बेल्टेड केबल टाइप है, ये बेल्टेड टाइप है ऐसी है ना, इसके अंदर वो राउंड कंडक्टर नहीं है, वो शेप दूसरी डिफरेंट है, और इधर राउंड है कंडक्टर, समझ आ रही है ना, ये चीज़ भी देखनी है, अच्छा उसके बाद ये 185 mm स्क्वायर क्रॉस लिंक, ये कॉपर टेप पीवीसी आ गई, ये 25 mm, ये SWO लिखा है, SWO का मतलब क्या है, मैंने उधर बताया था, SWA क्या है, स्टैंडर्ड वायर बोला, स्टील वायर आर्मरिंग, तो उधर एब्रिविएशन लिखा हुआ है स्टील वायर आर्मरिंग, ये इसका वो SWA है, इसकी जो आर्मरिंग है ना ये वाली आर्मरिंग होती है, ये स्टील के वायर की आर्मरिंग है, ठीक है, इसी तरह यहाँ देखें 70 mm 2 कोर है PVC, और ये क्या है 25 mm स्क्वायर, ये 40 mm है, और ये 400 mm है, 150 है, ये देखें AWA लिखा हुआ है यहाँ, इसका क्या मतलब है, एल्यूमिनियम वायर आर्मरिंग, तो इसकी वायरिंग आर्मरिंग जो है वो ये एल्यूमिनियम की होगी, ठीक है, इस तरह हो गया, अच्छा उसके बाद ये 500 mm, ये देखें इसके बाद ये 240 mm में, ये लिखे नहीं हुआ, चले ये 240 है, 120 mm इसके लिए लिखी है, इसको देखें, इसका देखना पड़ेगा ये कौन सा साइज है, इसको वो चेक करेंगे, वही तरीका है ना जो बताया उससे सही साइज में ये कर सकते हैं, ये 120 mm, इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये देखें ना ये नीचे अंदर कॉपर है, और ये जो है ना ये देखें इसका साइज भी नज़र आ, ये देखें ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, नज़र आ रहा ना, जो एल्यूमिनियम है वो आपको दूर से नज़र आ जाता है, अच्छा इसी तरह 15 ये आ गई आपकी 120 mm, और ये क्या है SWO है, ये स्टील वायर आर्मरिंग है इसकी, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके डिफरेंट साइज़ हैं, ठीक है, और हर साइज़ को मज़ीद इसकी फिर आपने डिटेल देखनी है, इसकी करंट रेटिंग वोल्टेज रेटिंग सारा कितनी किस एप्लीकेशन के लिए है, तो हर एक को आपको डाटा शीट मिल जाती है, नेट से आप मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें तो आप चीज़, तो इट्स द एंड ऑफ टुडे सेशन, ठीक है।